दीजिए कि हमारा सातवां फेज जो है लोकसभा इलेक्शन का होने जा रहा है, जिसमें हिमाचल के भी पोलिंग स्टेशनों में जो है हमारे पोलिंग बूथों पे जो है वोटिंग होगी, और इसमें अलावा ज्वालामुखी में 102 पोलिंग बूथों पे वोटिंग होगी, और इसके लिए हमारे लगभग 525 के करीब जो है और टोटल हमारे एम्प्लॉई इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें से 410 जो है पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो गए हैं, बाकी रिजर्व में हैं। जैसे ही हमारा कल मतदान 6 बजे 7 बजे शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक रहेगा, इसमें ये 1.5 घंटा जो है हमारा मॉक पोल के लिए होता है, तो वो 1.5 घंटा हमारा 5:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो उसमें पोलिंग एजेंट जो हैं जहाँ पे भी पार्टीज ने अपॉइंट किए होंगे वो वहाँ पे अपने आप को रखेंगे, और उनके सामने जो है हमारा ये मॉक पोल होगा। उसके बाद मतदान जो है एग्जैक्ट 7 बजे शुरू हो जाएगा और रात को 6 बजे तक रहेगा। तो मैं सभी अपने ज्वालामुखी मंडल के अपने मातृशक्ति व बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ कि वो अधिक से अधिक आए और अपने मतदान का प्रयोग करें, जिससे कि हम लोकतंत्र को और मजबूत बना सकें। धन्यवाद। अच्छा, इसमें हमारे 5 क्रिटिकल बनाए गए हैं, जिसमें 2 तो गुम्मर ही हैं, और इसमें हालांकि विदित है कि जैसे कि कोई इंसिडेंट पीछे हमारे इलेक्शनों में नहीं हुआ है, बट हमारे 5 तब भी हमने एक एज ए प्रिकॉशन बनाए हैं। दूसरा हमारा खुनिया का है, एक सीहोर वाला का है बॉर्डर है, और एक कुटियारा का है। ये टोटल है 2 हमारे गुमर के हैं, टोटल 5 हमारे जो है पोलिंग स्टेशन जो है क्रिटिकल हैं। बाकी रिमेनिंग हमने 2 पोलिंग स्टेशन जो है वोमेन के बनाए हैं, 44 जो हमारा ज्वालामुखी बॉयज़ में, और एक 46 है हमारा गर्ल्स में है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वालामुखी में, और एक हमारा डिसेबल से रिलेटेड है, जो कि जिसको कि हमारे जो डिसेबल